पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव द्वारा टोल टैक्स के वहां हाईवे रोड जाम कर टोल प्लाजा अधिकारी को रोड रिपेयरिंग करने के लिए और गड्ढे भरने के लिए आवेदन दिया गया। उसी समय शेर सिंह मालवीय द्वारा किसी परिचित को धार हॉस्पिटल ले जाना था, जो जाम के कारण लेट हो गए, जिससे उन्होंने आज CSP कार्यालय पीथमपुर पहुंचकर डॉक्टर हेमंत हिलोरे, डॉक्टर आचरण चोलिया सहयोगियों के साथ जाकर प्रदर्शनकारियों पर उचित कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया। कुछ समय पूर्व कांग्रेस के नेता द्वारा सर्विस रोड रिपेयरिंग के लिए धरना दिया था, जिस पर रोड जाम करने और मास्क न पहनने पर उन पर कार्यवाही की गई थी। उसी को लेकर प्रशासन ने ज्ञापन देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करने के लिए मांग की गई। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। CSP साहब को आवेदन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाईवे रोड मंडलावदावा जाम किया गया था। उससे हम लोग उस समय हॉस्पिटल जा रहे थे, पेशेंट को लेकर हमें काफ़ी परेशानी हुई उसमें। तो इसके विषय में हमने CSP साहब को ज्ञापन सौंपा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने जाम लगाया था वहाँ उनके सख्त सख्त कार्रवाई हो। कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए थे रोड की खस्ता हालत को लेकर, तो आवाज़ उठाई थी तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के भी उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपका नाम? शेर सिंह मालवी, असंगठित कामगार कांग्रेस, जिला उपाध्यक्ष धार। आपके द्वारा कल आवेदन दिया गया, उसमें आपका क्या कहना? गत दिवस यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो हाईवे जाम करा था टोल टैक्स के पास, वहाँ तो हमारे साथी शेर सिंह मालवी और चंदा मालवी के द्वारा मरीज धार लेके जाने के समय में उनको दिक्कत हुई, उन मरीज को जान पे आ गई थी। इन्होंने मेरे को बताया तो पुलिस को आवेदन दिया। हमारे पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गत दिवस FIR दर्ज हुई सर्विस रोड पे गिरने और धरना देने से, उसी प्रकार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी FIR होना चाहिए रोड जाम करने के वजह से। हमारी जो धरने पे बैठे थे उनसे मांग है कि आप नगरपालिका के अध्यक्ष के प्रतिनिधि है, ये आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है कि पीथमपुर के सर्विस रोड कैसे खस्ता हालत में है। पहली फुर्सत में पहली जवाबदारी आपने ये रोड बनाना था। हमने ज्ञात सभी जनता को आपने लाखों करोड़ों रुपए की लागत से प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं लेकिन सर्विस रोड नहीं बनाए जा रहे, ये बड़ा निंदनीय है। ये आम जनता को, पीथमपुर के आम जनता को गुमराह करने का प्रयास है। हम पुनः एक बार पीथमपुर प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये मांग करते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR हुई थी उसी प्रकार BJP कार्यकर्ताओं पर भी FIR दर्ज हो। एक जगह दो कानून ना चला, एक ही कानून रहे। अभी आपने आवेदन कहाँ कहाँ दिए? सर, हमने आदरणीय CSP साहब से आवेदन दिया, SP साहब के नाम से, कि तत्काल इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और FIR की जाए। क्या आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस का उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।